हेलो फ्रेंड्स, दिव्यज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी प्रैक्टिस पेपर भाग एक यानी कि पार्ट वन लेकर के आया हूं और यह प्रैक्टिस पेपर यूपी का टीजीटी एग्ज़ाम देने वाले, पीजीटी एग्ज़ाम देने वाले, नेट का एग्ज़ाम देने वाले, ये सारे अभ्यर्थियों के लिए लाभकारी तो है ही, साथ ही साथ वे अभ्यर्थी जो सीटेट या टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। इस प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर के 30 प्रश्न हैं, तो चलिए बिना देर किए हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व की भाषाओं को मुख्यतः कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है? तो मित्रों, इसमें चार विकल्प दिए गए हैं, 12, 7, 15 और 10। तो मैं बताना चाहूँगा कि विश्व की भाषाओं को मुख्यतः 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? फिर से सुन लीजिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? विकल्प है द्रविड़, सेमेटिक, भारूपीय, रेड इंडियन। यहाँ चारों विकल्प बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें सही उत्तर है भारूपीय। अब जान लीजिए कि भारूपीय शब्द किन शब्दों से मिलकर के बना है। भारूपीय शब्द भारत और यूरोपीय दो शब्दों से मिलकर के बना है। भारत और यूरोपीय, इन दोनों भाषा परिवारों को मिल हिंदी भाषा का जो परिवार है वो है भारत और यूरोपीय, यानी ये दोनों क्षेत्रों को मिला करके वन वर्ड बनाया गया है भारूपीय। सही विकल्प विकल्प सी है। तीसरा प्रश्न देखिए, भारतीय आर्य भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? चीनी, भारूपीय, सुडानी, द्रविड़। अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया मित्रों ऊपर के प्रश्न में, तो यहां पर भी इस प्रश्न का भी विकल्प होगा भारूपीय, जो कि विकल्प सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वैदिक संस्कृत, पाली, अवहट्ट, प्राकृत। दिमाग लगाइए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहा गया है। तो मित्रों, आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन समय में हमारे यहाँ जो आर्य लोग थे उनकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी, लेकिन उसमें भी लौकिक संस्कृत नहीं थी बल्कि वैदिक संस्कृत थी। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। पांचवा प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों की भाषा थी पाली, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश। देखिए, अभी अभी ऊपर वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत का दोनों विकल्प आ रहा है। चौथे प्रश्न के लिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है तो उस समय आप ध्यान देंगे कि लौकिक संस्कृत पर टिक ना करके वैदिक संस्कृत पर करेंगे। पांचवा प्रश्न देखिएगा, वैदिक ग्रंथों की भाषा थी में वैदिक संस्कृत वैदिक ग्रंथों की भाषा थी। मित्रों, लौकिक संस्कृत तो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग जो हो रही थी उस संस्कृत को कहते हैं। छठवां प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम है क्या? कालक्रम है भाई मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का, ध्यान दीजिएगा, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, या 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, या 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, या 500 ईस्वी से अब तक। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है बी विकल्प, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का। आगे आ जाइए अगले प्रश्न पर, प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है अपभ्रंश को, संस्कृत को, पाली को, या अवहट्ट को। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं, प्रथम प्राकृत भाषा थी पाली, ठीक है, जिसमें बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं ज्यादातर। आगे आ जाइए, आठवां प्रश्न, त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, या पाली में? तो इसका सही उत्तर है पाली में। नौवां प्रश्न है, निम्न में पाली भाषा में
निम्न में पाली भाषा में लिखी रचना है? महाभारत पाली भाषा में लिखी गई है, कर्पूर मंजरी, जैन ग्रंथ आगम या मिलिंद पन्हो? सही उत्तर है मित्रों मिलिंद पन्हो, यह जो है पाली भाषा में लिखी गई रचना है। दसवां प्रश्न पर हम चलते हैं। कच्चान व्याकरण किस भाषा में लिखा ग्रंथ है? संस्कृत, प्राकृत, पाली या खड़ी बोली? इसका सही उत्तर है पाली में, ठीक है, विकल्प सी सही है। ग्यारहवां प्रश्न है, प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चुलिका पैशाची और अपभ्रंश इन तीन भागों में किसने वर्गीकृत किया है? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चुलिका पैशाची और अपभ्रंश इन तीन भागों में किसने वर्गीकृत किया है? वररुचि ने, हेमचंद्र ने, जॉर्ज गियर्सन ने या मार्कंडेय ने? सही उत्तर है मित्रों विकल्प बी, हेमचंद्र जी ने। आगे आ जाइए बारहवें प्रश्न पर। निम्न में किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश से था? प्राकृत, सौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, प्राकृत मागधी प्राकृत? तो बारहवें का सही विकल्प है, जरा एक बार आप भी सोच लीजिएगा कि निम्न में किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश से था। सही उत्तर मित्रों विकल्प सी है, अर्धमागधी प्राकृत। तेरहवां प्रश्न देखते हैं। मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई है? सौरसेनी प्राकृत से, अर्धमागधी प्राकृत से, महाराष्ट्री प्राकृत से, अपभ्रंश अवहट्ट से? गौर करिएगा इसमें कौन सा विकल्प सही है, पूछा जा रहा है मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति। मागधी भी एक अपभ्रंश था, अर्धमागधी भी अपभ्रंश था, सौरसेनी अपभ्रंश है। तो गौर करना है कि मागधी की उत्पत्ति उन्होंने किससे बताई है। इसका सही विकल्प है मित्रों सौरसेनी प्राकृत से उन्होंने मागधी की उत्पत्ति बताई है मार्कंडेय जी ने। यह मार्कंडेय जी का व्यक्तिगत विचार है। अगला प्रश्न देख लीजिए। र के स्थान पर ल का उच्चारण किस प्राकृत में देखने को मिलता है? र के स्थान पर ल का उच्चारण सौरसेनी प्राकृत में, अर्धमागधी प्राकृत में, मागधी प्राकृत में या प्रथम प्राकृत में? तो मित्रों इसका सही उत्तर है मागधी प्राकृत में र के स्थान पर ल का उच्चारण किया जाता है। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 15। निम्न में कौन सी आधुनिक भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश की है? पश्चिमी हिंदी, लहंदा, मराठी, पूर्वी हिंदी? सही विकल्प है, जरा आप भी एक बार जोर दिमाग लगाइएगा, डी विकल्प सही है, पूर्वी हिंदी, ठीक है। अर्धमागधी अपभ्रंश की है ये भाषा, पूर्वी हिंदी। मागधी में मित्रों जान लीजिएगा मागधी और अर्धमागधी, इसमें फर्क यह है कि मागधी में आ जाता है आपका बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। तो उड़िया असमिया और बिहारी, उड़िया असमिया और बांग्ला से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें लेना देना किससे है, बिहारी से। तो बिहारी जो है वो मागधी अपभ्रंश से आई थी, जबकि अर्धमागधी जो है वो पूर्वी हिंदी से रिलेटेड थी, पूर्वी हिंदी जो थी वो अर्धमागधी से पैदा हुई थी। 16वां प्रश्न देख लीजिए। कौन सी भारतीय आर्य भाषा पश्चिमी गौड़ियन की भाषा नहीं है? राजस्थानी, पंजाबी, सिंधी, गढ़वाली? सही उत्तर है गढ़वाली, डी विकल्प सही है। आगे आ जाइए अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो सही उत्तर है बघेली। अवधि, छत्तीसगढ़ी और बुंदेली जो है ये पूर्वी हिंदी की है। क्षमा करें गलती हो गई,
यहाँ पर थोड़ी सी, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। बुंदेली जो है वो पूर्वी हिंदी की नहीं है मित्रों, पूर्वी हिंदी में आते हैं, पूर्वी हिंदी जिसका अभी अभी हमने ऊपर चर्चा किया, जो अर्धमागधी अपभ्रंश से आई है, इसमें अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली आती है, बुंदेली नहीं आती, तो विकल्प डी जो है वो सही है। आगे आ जाइए 18वां प्रश्न पर। निम्न में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, कन्नौजी, ब्रजभाषा, अवधि, कौरवी? तो इसका सही उत्तर है अवधि। अवधि जो है पश्चिमी हिंदी की नहीं है, आपको अभी भी मैंने बताया कि अवधि जो किस में आएगी, पूर्वी हिंदी में। 19वां प्रश्न, बेट्टा गड्डी जैसे द्वित व्यंजनों का प्रयोग किस बोली की प्रमुख विशेषता है? द्वित व्यंजन में मित्रों क्या होता है, एक व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है, वहां उसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो बेट्टा और गड्डी में आप देख रहे हैं आधा ट और पूरा ट है, यहाँ आधा ड और पूरा ड है। तो जैसे द्वित व्यंजनों का प्रयोग किस बोली की प्रमुख विशेषता है, पूर्वी हिंदी की बघेली या पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली या पश्चिमी हिंदी की ब्रजभाषा या पूर्वी हिंदी की अवधि? तो मित्रों इसका सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली, ठीक है। हरियाणा और आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत पंजाब का क्षेत्र, ठीक है, और मेरठ इत्यादि का क्षेत्र थोड़ा बहुत इससे इफेक्टेड है, प्रभावित है, वहाँ पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 20वां। निम्नलिखित में किस बोली को जॉर्ज गियर्सन ने बांगरू नाम दिया था, ठीक है, कौरवी, छत्तीसगढ़ी, अवधि या हरियाणवी? सही उत्तर है हरियाणवी। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। निम्न में कन्नौजी का क्षेत्र है, फर्रुखाबाद, हरदोई, भागलपुर, पटना, मथुरा, वाराणसी, सुल्तानपुर, गाजीपुर? कन्नौजी का क्षेत्र क्या है इसमें से? तो इसका सही उत्तर मित्रों है कि कन्नौजी का जो क्षेत्र है वह है फर्रुखाबाद और हरदोई, ठीक है। भागलपुर और पटना में, मथुरा वाराणसी में, सुल्तानपुर गाजी में कन्नौजी नहीं बोली जाती। निम्न में राजस्थानी हिंदी की बोली है, राजस्थानी हिंदी की बोली, गौर करिएगा, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी या ये सभी? तो मित्रों मैं बताना चाहूंगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सभी, डी विकल्प, क्योंकि मारवाड़ी, मेवाती और ढूंढाड़ी ये सभी जो है राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। 23वां प्रश्न है, चरणदास की शिष्या दयाबाई व सहजोबाई राजस्थानी हिंदी की किस बोली में रचना करती थी, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी या मारवाड़ी? ये सभी राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। अब ऊपर आपने तीन विकल्प देखे, यहां पर आप चारों बोलियों के नाम देख लीजिए, मेवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी और मारवाड़ी, ये सभी राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। तो आपका एक प्रश्न के साथ दो टारगेट आप अचीव कर सकते हैं, तो कभी कभी एक प्रश्न के अंदर दो प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो चरणदास की जो शिष्या थी दयाबाई और सहजोबाई, वो राजस्थानी हिंदी की किस बोली में रचना करती थी? सही विकल्प आप जरा दिमाग लगाइएगा, मैं भी आपको बता देता हूं, तो मित्रों वे मेवाती में रचना करती थी। आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 24वां है, बिहारी हिंदी की कौन सी बोली बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में बोली जाती है? बिहारी हिंदी की वो बोली है जो कि बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, आप जरा दिमाग लगाइए, मगही, मैथिली, भोजपुरी या बिहारी? तो मैं समझता हूं आपका भी अंदाजा वही होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, विकल्प सी सही है, भोजपुरी। मित्रों भोजपुरी एक ऐसी बोली है जो कि बिहार की है, उत्पत्ति इसकी बिहार से है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में ज्यादा बोली जाती है। 25वां प्रश्न आ जाइए, निम्न में से कौन से क्षेत्र मैथिली बोली के हैं, सिवान, सारण, गोपालगंज, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्णिया, दरभंगा, शिवहर, पूर्णिया या वाराणसी, बस्ती और गोंडा? तो निम्न में से कौन से क्षेत्र मैथिली बोली के पूछा जा रहा है, गौर करिएगा, मैथिली बोली। तो मैथिली बोली का इसका सही विकल्प है मित्रों सी, दरभंगा, शिवहर और पूर्णिया, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर
आपकी मैथिली बोली ज्यादा बोली जाती है। अगला प्रश्न है मित्रों, 26वां पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ, किससे हुआ पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है? सौसैनी प्राकृत से, या मागधी प्राकृत से, या अर्धमागधी प्राकृत से, या खस प्राकृत से? सही विकल्प इसका है खस प्राकृत से। अगला प्रश्न हम चलते हैं 27वें पर, निम्नलिखित में से किन भाषाओं को मध्यकाल में साहित्यिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त था? खड़ी बोली फारसी को, या संस्कृत उर्दू को, ब्रजभाषा अवधि को, या अवधि दक्षिणी को? इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न है निम्नलिखित में से किन भाषाओं को मध्यकाल पूछा जा रहा है में साहित्यिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त था? मध्यकाल में साहित्यिक भाषाओं का दर्जा ब्रजभाषा और अवधि, जो कि अब अस्तित्व खो चुकी हैं, मध्यकाल में इनको साहित्यिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त था। मित्रों आप गौर करेंगे, मध्यकाल के जितने कवि हमारे हुए हैं, ज्यादातर उनकी भाषा जो थी वो ब्रजभाषा या अवधि थी, चाहे वो सूर रहे हों, तुलसी रहे हों, जायसी रहे हों, इन मीराबाई रही हों। और मीराबाई में तो यदा कदा आप देख सकते हैं राजस्थानी, मारवाड़ी इत्यादि भाषाओं के भी शब्द मिल जाते हैं, लेकिन सूर और तुलसी तो ये लोग तो ब्रज और अवधि को पकड़ करके बैठ गए थे। ठीक है, तो ब्रज भाषा और अवधि भाषा, ये भाषा के रूप में मध्यकाल में अपना अस्तित्व जमा चुकी थी। आगे आ जाइए 28वें प्रश्न पर, निम्न रचनाओं में से किसमें हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख हुआ है? बाबरनामा, तुझके बाबरी, बादशाहनामा, या जफरनामा? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है मित्रों तुझके बाबरी, इसमें हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख हुआ है। आगे आ जाइए, मानक भाषा मुख्यतः होती है, क्या होती है मानक भाषा? बहुत ज्यादा आजकल प्रयोग किया जा रहा है, अधिकतर प्रश्नों में पूछा जाता है कि मानक भाषा, मानक भाषा के अनुसार इस शब्द को लिखिए। तो मानक भाषा है क्या? जो परिनिष्ठित, शुद्ध व परिमार्जित हो, या जो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से साम्य हो, जो किसी क्षेत्र की आंचलिक बोली हो, उसको मानक भाषा तो कह नहीं सकते। मानक भाषा वो है जो सभी के द्वारा मानी जाए। ठीक है, भाषा प्रयोग की दृष्टि से स्वीकृत हो, ऐसी भी बात नहीं है। तो पहला वाला है जो परिनिष्ठित, शुद्ध व परिमार्जित हो, ठीक है, वह मानक भाषा है। अंतिम प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा व देवनागरी को लिपि के रूप में मान्यता मिली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर सभी तरह की परीक्षाओं में, आप सीटेट उठा लीजिए, नेट उठा लीजिए, यहां तक कि यूपी टेट या अलग अलग स्टेट्स के टेट एग्जाम्स ले लीजिए, इसमें अक्सर यह प्रश्न पूछा गया है। तो जान लीजिए, अनुच्छेद 343 की बात नहीं कर रहा हूं, जो अभी अभी मोदी जी ने हटाया, अनुच्छेद 343 गौर करिए, नंबर भी याद रखिए, पहले 3, लास्ट में 3, बीच में 4, 343, ये अनुच्छेद है संविधान का, जिसमें हिंदी को संघ की यानी पूरे भारत की राजभाषा, राजभाषा कहा जा रहा है, राष्ट्रभाषा नहीं, गौर करिएगा, यानी सरकारी कामकाज की भाषा, उसको राजभाषा कहते हैं, वह देवनागरी को लिपि के रूप में मान्यता मिली है। तो मित्रों आज का यह प्रश्न पेपर सेट जो है, क्वेश्चन पेपर सेट यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह क्वेश्चन पेपर सेट पसंद आया होगा, अपने सुझाव लिखिएगा। अगर आप एक्सप्लेनेशन प्रश्नों के चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा, उसमें थोड़ी देर से जरूर लगती है, लेकिन फाइनली आपको अच्छा समझ में आता है। तो अगर ये प्रश्न पत्र आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ज़रूर, अपने कमेंट ज़रूर पास करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों सगे संबंधियों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए विषय के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।